वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट पर, जहां सीखेंगे हम घर में उपलब्ध सामान से ही टेस्टी डिशेज बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं छोला मसाला। छोला मसाला देखते हैं बहुत लोगों को पसंद होता है, तो चलिए हम बनाते हैं छोला मसाला। उसके लिए हमें छोला चाहिए जो कि हमने 8 घंटे पहले भिगा कर रखा था, अभी हमने इसको उबाल के रख लिया है और हम उसे उबालेंगे। अच्छा, ये देखिए हमारा छोला, ये देखिए ये पक गया है। अब हम इसका छोला बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए छोला मसाला, नमक स्वाद अनुसार, इसको हम चाहे तो कद्दूकस भी पीस सकते हैं अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो, वरना हम इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारी प्यूरी टमाटर की तैयार हो जाएगी जो कि हमने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। और ये हमारा है प्याज, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट है जो कि हमने पीस के रखा है। अगर हम इसको ज्यादा महीन पीसेंगे तो हमारा ऑयल ज्यादा लगेगा और अगर हम इसको थोड़ा दरदरा रखेंगे तो हमारा जो ग्रेवी होती है, जो रसा होता है, वो थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। इसलिए हमने इसको देखिए ऐसे दरदरा रखा हुआ है इस तरीके से। और ये है धनिया जीरा का पाउडर जो हम डाल देंगे। ये है कटा हुआ प्याज, कटी हुई हरी मिर्च, टमाटर और छोला बनाने के लिए थोड़ा सा और। तो चलिए अब हम बनाते हैं मसाला। ये बनाते हैं छोला मसाला। इसके लिए हमें सबसे पहले प्याज डालना है, उसके बाद ऑयल डालेंगे 30 मिनट। थैंक्स दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और देसी तरह से खाना बनाएं, खिलाएं और खाएं। शुक्रिया।